सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्ले स्टोर के एरर के बारे में। दोस्तों एरर कोड ये है कि RCPAOC0। तो इस एरर को कैसे रिमूव करना है अपने एंड्रॉइड फोन से, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले एंड्रॉइड फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है गूगल अकाउंट में, यानी कि अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन MI का फ़ोन नहीं है तो आप यहाँ पर गूगल में जाकर रिमूव कर लीजिए। मेरे पास MI का फ़ोन है तो मैं यहाँ पर सिंक में जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर रिमूव गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपका गूगल अकाउंट जब रिमूव हो जाएगा तो फिर से आपको सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्ले स्टोर। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है गूगल प्ले स्टोर, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोन को जो है एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्ले स्टोर के एरर को रिमूव कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन में। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।